स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, ये लेसन 8 है। आइए हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, काले बादल, बादल कैसे हैं? काले हैं। प्यारी माँ, माँ कैसी है? प्यारी है। छोटा पौधा, पौधा कैसा है? छोटा है। यानी ये जो छोटा शब्द है वो पौधे की विशेषता बतलाता है, बतला रहा है, इसलिए यह इसका विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, सफ़ेद गाय, नीली पतंग, शैतान लड़की, चालाक लोमड़ी, सुंदर लड़की, गर्म चाय, ठंडी आइसक्रीम, मोटी किताब, गंदा पानी। समझ में आ गया? ये सब, जैसे ये आइसक्रीम है तो कैसी है? ठंडी है। ठंडापन इसका क्या है? ये इसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कुछ देखिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। शांतनु अच्छा लड़का है। शांतनु कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वह कैसा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सब है। जैसे देखिए, अंगूर खट्टे हैं, आम मीठा है, उसके कपड़े साफ हैं, इमारत बहुत ऊंची है। ठीक है, इसी प्रकार से सब इसमें विशेषता बतलाई जा रही है। आगे देखिए, इसी प्रकार से इसमें भी बस शब्द, किसी भी शब्द के पहले से बड़ा, वह बड़ा लड़का है। ठीक है, कपड़ा उसका कैसा है? पुराना है। इसी प्रकार से ये सारे शब्द हैं जो जोड़े गए हैं। आगे देखिए, अब हम अभ्यास कार्य को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क नंबर, दिए गए चित्रों को उनकी विशेषता से मिलाइए। ठीक है, यानी जो उसकी विशेषता बतला रहा है, जैसे देखिए, ये पेड़, इमली, करेला, आम, लड़की, कमीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है कड़वा, मीठा, ये गलत लिखा हुआ था, ये नीली हो जाएगी, खट्टी, बड़ा और सुंदर। ठीक है, पेड़ कैसा है? पेड़ बड़ा है। ठीक है, इमली कैसी है? इमली खट्टी है। ठीक है, करेला कैसा है? करेला कड़वा है। आम कैसा है? आम मीठा है। लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। ठीक है, कमीज ये किस कलर की है? नीले रंग की। ठीक है, यहाँ पीला लिखा है, इसको बच्चों आप राइट कर लीजिए, ये नीली हो जाएगी। ठीक है, अब ख नंबर में लिखिए, निम्नलिखित विशेष्यों के साथ उचित विशेषण लिखिए। जैसे देखिए, जलेबी, पेड़, पशु, गीत, कुत्ता, आम, बांस, आकाश, लड़के, साड़ी, संतरे, कौवा। अब इसके आगे आप विशेषण शब्द चुनिए। जैसे जलेबी कैसी होती है? मीठी। ठीक है, तो मीठी जलेबी। ठीक है, बड़ा पेड़, पेड़ कैसा है? बड़ा है। पशु कैसा है? काला। ठीक है, गीत कैसे होते हैं? मधुर। ठीक, आगे देखिए, कुत्ता किस रंग का है? सफ़ेद। आम कैसा है? मीठा। बांस कैसा है? लंबा। आकाश कैसा है? नीला। ठीक है, ये शब्द पूरे फिट होता है। आगे देखिए, लड़के अच्छे, अच्छे लड़के हैं। साड़ी कैसी है? भारी। ठीक है, संतरे कैसे हैं? स्वादिष्ट। कौवा बुद्धिमान। ये सब इसकी विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, यानी जो संज्ञा सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आओ दोहराएं। ठीक है, अपने लिए एक एक विशेषण लिखिए। जैसे, आपकी आयु कितनी है? 7 वर्ष। बच्चा जो क्लास 2 में पढ़ता है उसकी आयु कितनी? 7 वर्ष। ठीक है, मिनिमम मान ली जाती है, मैक्सिमम। आपकी कमीज का रंग कैसा है? नीला। आप लंबे हैं या छोटे? छोटे। आप कितने भाई बहन हैं? 2। आपके बालों का रंग कैसा है? काला। समझ में आ गया? ख नंबर देखिए, उदाहरण के अनुसार उपयुक्त विशेषणों व विशेष्यों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। जैसे देखिए, ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं? लाल, ऊंची, चतुर, विद्वान, ठंडी, गोल, सुंदर, नया, विशाल, भला। वृक्ष, आदमी, कमीज, इमारत, बालक, पंडित, आइसक्रीम, मेज, लड़की, घर।
इसी को ये मैच करते हुए, जैसे यहाँ पर ये देखिए राइट किया गया है, लाल कमीज, ऊंची इमारत, चतुर बालक, विद्वान पंडित, ठंडी आइसक्रीम, गोल मेज, सुंदर लड़की, नया घर, विशाल वृक्ष, भला आदमी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।